हेलो फ्रेंड्स, आज कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो वर्सेस ओप्पो। तो फ्रेंड्स, ओप्पो का F21 प्रो 5G वर्सेस ओप्पो का रेनो 7, इनका कंपैरिजन करने वाले हैं। वैसे बंदा नहीं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी लॉन्चिंग डेट की। उससे पहले अगर आपने इन दोनों से कोई भी चला के देखना, आप बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंपैरिजन सिंपल सा रहने वाला, बहुत ज़्यादा सिंपल। आई होप कि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की। इसको लॉन्च हुए को कुछ महीने हो चुके हैं, इसको लॉन्च हुए को कुछ वीक हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इन दोनों के लुक के बारे में, लुक में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ये एकदम थोड़ा एप्पल स्टाइल में मिलता है, ये आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा कर्व स्टाइल में। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्ले साइज की, डिस्प्ले साइज की बात करते हैं, इसकी डिस्प्ले साइज मिलेगा 6.4 इंच फुली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। अगर रेनो की बात करते हैं 7 की, इसका भी सेम साइज रहने वाला है, 6.4 फुली HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। 90 हर्ट्ज़ पे दोनों काम करने वाले हैं। डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, साइज भी सेम है। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा दोनों के 32 मेगापिक्सल के पंच होल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। राइट साइड की बात करते हैं तो राइट में आपको देखने को मिलेगा पावर लॉक बटन, दोनों का सेम पोजीशन पे। अगर हम लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो वॉल्यूम की रोकर के अप डाउन के बटन और सिम स्लॉट दोनों के सेम पोजीशन पे देखने को मिल जाते हैं। आपकी बात करते हो सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है। डाउन की बात करते हैं तो आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी चार्जर, मेन माइक, 3.5 mm का हेडफोन जैक सेम देखने को मिल जाता है। पर इसकी स्पीकर ग्रिल मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ा अलग लुक में रेनो 7 की। अगर हम बात करते हैं बैक कैमरों के बारे में, बैक कैमरा में बात की जाए तो आपको इसमें बैक कैमरा सेम देखने को मिलेंगे, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दोनों का सेम है। और रेनो इसकी बात करते हैं, इसमें 2 मेगापिक्सल साथ में फ्लैश देखने को मिल जाती है। नीचे ब्रांडिंग ओप्पो की, इसमें आपको जो देखने को मिलेगी वो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल साथ में फ्लैश, नीचे ब्रांडिंग ओप्पो की। तो ये डिफरेंस आता है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरे का। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के ओवरऑल लुक के बारे में, लुक दोनों की काफ़ी औसम है। अगर हम बात करते हैं इन दोनों के वेरिएंट की, वेरिएंट भी दोनों आपको सेम देखने को मिलेगा। 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी, जिनके कि आप दोनों की रैम भी बढ़ा सकते हो 5 GB तक, दोनों की सेम रैम बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर देखने को मिलेगा रेनो 7 में। अगर हम इसकी बात करते हैं F21 प्रो में, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा प्रोसेसर वो मिलेगा स्नैपड्रैगन 695। ये दोनों के दोनों 5G है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बैटरी के बारे में, तो बैटरी के बारे में बात की जाए तो दोनों की 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन दोनों के बैटरी के चार्जर की आउटपुट की, 33 वॉट का फास्ट चार्जर, इसमें 65 वॉट का फास्ट चार्जर, यहाँ पे आपको डिफरेंस काफ़ी देखने को मिल जाता है। अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट में आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा 27,000 और 29,000, 2,000 का जो डिफरेंस है वो 65 वॉट का फास्ट चार्जर कब कर रहा है। बाकी ओवरऑल तो देखा जाए तो सारा सेम है, और बाकी प्रोसेसर में थोड़ा फर्क पड़ता है। डायमेंसिटी इसमें है, इसमें स्नैपड्रैगन है। प्रोसेसर कैसा रहता है एज यू विश चला के ही पता चलेगा परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो ये था सिंपल सा कंपेरिजन, आई होप कि आपको अच्छा लगा। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा कंपेरिजन है। मेन चीज़ बताइए जिसमें डिस्प्ले आ जाती है, कैमरा आ जाते हैं, प्रोसेसर आ जाता है, और आपको बैटरी आ जाता है, चार्जर का आउटपुट आ जाता है, और क्या चाहिए। मेन तो यही रहती है, तो यही रहता है अपना सिंपल सा। बाकी टेक्निकल गुरु जी को सब्सक्राइब करने वाले बथेरे हैं, हमें भी कोई सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा हमारा कंपेरिजन ऐसे ही आते हैं। और रिव्यू भी सिंपल सा रहता है जिसमें कैमरा डिटेल ये सारा कुछ मैं बताता हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। यदि आपने इन दोनों में कोई चला के देखना या परचेज करना है, बालाजी कम्युनिकेशन शॉप आ सकते हो। शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे इसमें आपको इन दोनों में ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू।